नवंबर 2019 में लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इलाज के लिए 4 सप्ताह विदेश जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन उसके बाद से नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आए ही नहीं। ऐसे में इस बात को लेकर विपक्ष लगातार उनकी पार्टी पर हमलावर रहा। इस बीच अब खबर आ रही है कि नवाज शरीफ लंदन से वापस पाकिस्तान आने वाले हैं। इस बात की पुष्टि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के नेता और शहबाज शरीफ सरकार में मंत्री अयाज सादिक ने की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अगले महीने लंदन से वापस आएंगे। नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार केस में दोषी करार दिया गया था और उन्हें जेल भी भेज दिया गया था। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में पार्टी के ऊपर विपक्ष हमलावर है। PMLN के नेताओं से अक्सर नवाज शरीफ की वापसी के बारे में पूछा जाता रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री अयाज सादिक ने मंगलवार को एक टीवी शो में नवाज शरीफ पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी नवाज शरीफ की घर वापसी का इंतजार कर रही है। सादिक ने बताया कि जनवरी 2023 में नवाज शरीफ के वापस आने की उम्मीद है। मंत्री ने यह भी कहा कि होने वाले अगले आम चुनाव में भी उम्मीदवारों को टिकट देने का काम नवाज शरीफ ही करेंगे। देश में अगले आम चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अयाज सादिक ने कहा कि देश में अगला आम चुनाव अगस्त 2023 के बाद ही होगा। मंत्री ने कहा कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नेताओं की ओर से अगले साल मार्च तक आम चुनाव कराने की मांग को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 2018 में एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया था। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार केस में 7 साल जेल की सजा सुनाई थी, जबकि शरीफ को कुल 11 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं एवनफील्ड संपत्ति विवाद मामले में 80 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। हालांकि बाद में 2019 में लाहौर उच्च न्यायालय ने नवाज शरीफ की सजा को रद्द कर दिया था, जिसके बाद उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी गई थी। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की सत्ता में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी की वापसी के बाद से ही पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ की घर वापसी की मांग तेज हो गई थी। वर्तमान में नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ को पंजाब का शेर कहा जाता है। देश में राजनीतिक उठापटक के बावजूद नवाज रिकॉर्ड 3 बार प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे थे। देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले नवाज शरीफ की पार्टी PMLN 3 दशक से ज्यादा समय तक पाकिस्तान के सत्ता में काबिज रही थी। अगस्त 2022 में तत्कालीन इमरान खान सरकार ने नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया था। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।